आज का जो मीटअप हुआ था इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगभग कितनी संख्या में क्रिएटर्स यहाँ पर आए और सभी का क्या रुझान रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मीटअप था आज का, जिसका हमने नाम दिया ग्वालियर क्रिएटर्स कार्निवाल, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ग्वालियर में काम कर रहे हैं, ग्वालियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट ऐसे जो क्रिएटर्स हैं ये सोशली सबसे कनेक्टेड हैं, डिजिटली सबसे कनेक्टेड हैं, बट कभी भी फिजिकली नहीं मिल पाते। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा यही था कि एक छत के नीचे ये सारे क्रिएटर्स इकट्ठे हों, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करें, और साथ में जो क्रिएटर्स हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम सम्मानित करें, उनको रिकॉग्नाइज करें, ताकि उनको एक मोटिवेशन मिले कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे ऐसे कार्य करने के लिए उनको और मोटिवेशन मिले। आपसे जानना चाहूँगा कहाँ कहाँ से यहाँ पर क्रिएटर्स आए थे, लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर थे? लगभग हमारे यहाँ 80 नॉमिनेशन, हमारे पास 83 नॉमिनेशन आए थे, जिसमें से शॉर्टलिस्ट करने के बाद 48 क्रिएटर्स को हमने अवार्ड दिया। और इसके अलावा टोटल हमारे पास जो यहाँ पर उपस्थित थे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे, तो अराउंड 93 के आसपास, 94 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे। गेस्ट को इंक्लूड करते तो 100 क्रॉस ये होता है, और ये सारे हमारे ग्वालियर चंबल रीजन के थे। एक दो लोगों को अगर हम छोड़ दें जो बाहर के थे, बाकी सारे हमारे ग्वालियर चंबल में मिले थे। तो आप एक समझिए कि हमारे ग्वालियर की और हमारे चंबल की ये ताकत है कि हमारे यहाँ 80 से 100 ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ग्वालियर को रिप्रेजेंट करते हैं, चंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनको मौका नहीं मिलता। हमारा उद्देश्य यही था इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम ऐसे क्रिएटर्स को मौका दें, ऐसे क्रिएटर्स को मोटिवेट करें कि नहीं, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको ऐसा करते रहना चाहिए। स्केलेबिलिटी के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे ताकि ऐसे क्रिएटर्स को मोटिवेशन मिले। आपने कहीं ना कहीं इस मीटअप से क्रिएटर्स को एक साथ एक मंच पे ला के खड़ा कर दिया, सभी का इंट्रोडक्शन हो गया, सभी का सम्मान हो गया, लेकिन अब आगे क्या? आगे हमारा उद्देश्य है और हमारा ऐसे प्लानिंग है कि हम ऐसे मीटअप अलग अलग तरीके से, अलग अलग थीम के बेसिस पर, अलग अलग जगह पर ग्वालियर में और चंबल रीजन में करेंगे। साथ में हमारा मोटिव है कि ऐसे क्रिएटर्स को थोड़ा सा बिजनेस जनरेट करके हम स्केलेबिलिटी को इसीलिए लाए हैं कि जो माइक्रो क्रिएटर्स हमारे हैं, इन माइक्रो क्रिएटर्स को एक लार्ज स्केल पर फायदा हो, ये इनको मोटिवेशन के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पाएँ। और इसी उद्देश्य के लिए हमने ये स्केलेबिलिटी प्लेटफॉर्म लाए हैं, और हम इस मीटअप और आगे आने वाले सभी मीटअप्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्रिएटर्स को हम रिसोर्सेज और कुछ बिजनेस दिला पाएँ। हाँ मैम, मेरा नाम अनूप पांडे है और मेरा जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया खबर लाइव है। और आज का जैसे कि जो इवेंट है, एक मीटअप रखा हुआ था जो भी डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनके लिए, और एक बहुत अच्छा एक इवेंट रहा कहीं ना कहीं, और जो कि ग्वालियर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए थे, और इन सब में ये विशेषता दिखी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना वीडियो क्रिएटिव, मतलब अलग अलग विषय को लेकर अपनी अपनी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर एक मजेदार बात रहेगी, एज ग्रुप लिमिट भी हटके देखने को मिली। यहाँ पे मुझे 50 से 55 के इयर्स के भी कुछ लोग मिले जो कहीं ना कहीं अपने वीडियो कंटेंट बनाने के लिए रेडी है। तो मैं मानता हूँ कि सबको कहीं ना कहीं एक इस प्रकार का मीटअप, आपस में कम्युनिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी हम लाइक करें, एक दूसरे की विशेषताओं को देखें, उन विशेषताओं को खुद भी सीखते हुए आगे बढ़ें। साथ ही साथ इसमें मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि तो मैं खुद भी एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, तो इसमें मैंने एक चीज और ध्यान रखी है कि हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभार वीडियो क्रिएटिंग के चक्कर में अपनी लाइफ स्टाइल से समझौता कर जाते हैं, बहुत सारी जो बीमारियां जो जन्म ले रही हैं, तो इसीलिए जाए कि नाश्ता टाइम पे नहीं खाया किया जा रहा है, खाना टाइम पे नहीं खाया जा रहा है, और जो नींद की गोलियां खाकर लोग नींद ले रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्क आपका वर्क होना चाहिए, और रात की यदि 10 बज जाए तो समझिए बस, उसके बाद फोन को रख दीजिएगा, अच्छी नींद लीजिएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है नेचर से आप जितने जुड़े रहोगे, नेचर साइलेंस से जितने जुड़े रहोगे, जितना क्रिएटिव वर्क कर सकोगे, जितना आप साइलेंस में रहोगे, अपने आप से बातें करोगे, कुछ नया सोच सकोगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा मुझे आज का मीटअप लगा, और बहुत अच्छे अच्छे युवा साथियों से मेरी मुलाकात हुई। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन होते रहें। उसके लिए कौशल साहू जी को और उनकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे एक और सवाल आपसे है, आपने पर्ची किया, आपने भी देखा है, अलग ही जोश है। ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि भटक चुके हैं, अपने मास्टर को नहीं पता कि हमें करना क्या है, तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, आपका संदेश क्या है? देखिएगा, सीधी सी बात है, पहले तो खुद का अपना गोल होना चाहिए कि हम जाना कहाँ चाहते हैं।
ये स्थिति नहीं होना चाहिए कि चौराहे पे खड़े हैं कि भाई भिंड चले जाए, मुरैना भी चले जाए, ग्वालियर भी अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट पर ध्यान रखिएगा कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखिएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हर क्षेत्र में आ रही है, या कहें इसको हिंदी में मूल्यों में गिरावट आ रही है। यदि कुछ मेरे युवा साथी कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को हंसाएंगे, कुछ पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करेंगे, लोगों के अंदर सकारात्मकता का माहौल देने की कोशिश करेंगे, तो उस कंटेंट को आज लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप यहाँ तक ये देखिए, एक जो टीवी पर शो आता है प्राइम टाइम पे, उसमें लाफिंग हंसी मजाक होता है, तो आजकल परिवार के सदस्य उसको देखना पसंद करते हैं, जबकि और जो क्राइम से संबंधित चीज़ें हैं उनसे लोग बच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार का जोड़ने का जो माहौल है, कहीं ना कहीं वो लोगों को होना चाहिए। और युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, कुछ आप अपने कंटेंट में, वीडियोस में, रील्स में कुछ पॉजिटिविटी डालिए, जिससे कि हमको भी ऊर्जा मिलेगी, कुछ कम दिखाना है, कुछ अच्छा करना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो एक माहौल अपने आप बन ही जाता है। हर क्षेत्र में, हर माहौल में आप नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं। मैं यह कहना चाहूँगा, आपको यहाँ पर भी बहुत कुछ नेगेटिव दिख जाएगा, ये बल्ब क्यों जल रहा है, पीछे इतना फ्लैक्स बड़ा क्यों लगा रखा है, बुके जो फूल हैं इनको फूल की बर्बादी क्यों हो रही है। नहीं, सकारात्मक देखिए, यहाँ से आज मैं क्या लेके जा रहा हूँ। और मेरा ये भी एक चीज़ और मैसेज देना होगा कहीं ना कहीं, कि कुछ ना कुछ हम हमेशा सीखते रहें हर पल। युवा एज ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, सबको, हर किसी से सीखने वाली बात है। सीखने का नजरिया हमें हमेशा जिंदा रखेगा, वो आगे बढ़ाते रहेगा।